एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे, आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एक और अच्छे प्रोडक्ट के बारे में। ये प्रोडक्ट को मैं लास्ट 4 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ मालियो के 24 कैरेट गोल्ड फेस प्राइमर के बारे में। अगर आपको एक ऐसा प्राइमर चाहिए जो आपके पोर्स को मिनिमाइज करे, साथ ही साथ आपके स्किन को ग्लो प्रोवाइड करे, आपका फेस एकदम इसको लगाने के बाद शाइन करे, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई आउट ज़रूर करना। बिकॉज मोस्टली प्राइमर ऐसे होते हैं, कुछ प्राइमर ऐसे होते हैं जो पोर फिलिंग होते हैं, कुछ प्राइमर ऐसे होते हैं जो शाइन प्रोवाइड करते हैं, बट ये जो प्राइमर है वो आपके पोर फिलिंग में भी हेल्प करेगा, पोर को मिनिमाइज करेगा, साथ ही साथ ये आपके फेस को एक ग्लो भी प्रोवाइड करेगा। ऑयल बेस्ड प्राइमर है और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्राइमर है। आई कैन से अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो हियर इट इज, ठीक है। ये जेल बेस्ड प्राइमर है और इतना अच्छे तरीके से आपके फेस को स्मूथ कर देता है, मैं क्या ही बताऊं। बट ये मैं इसको लाइक 4 ईयर से यूज़ कर रही थी और अब ये एक्सपायर होने वाला है, तो मैं इसकी डेफिनेटली एक नई परचेज, एक नया प्रोडक्ट इसका डेफिनेटली आगे चल के परचेज कर लूँगी। बिकॉज ये जो ग्लो प्रोवाइड करता है वो मैंने किसी और प्राइमर के साथ अभी तक फील नहीं किया। पोर्स को मिनिमाइज कर देता है, ब्लर आउट कर देता है और एक ग्लो प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर फाउंडेशन इतने अच्छे तरीके से बैठता है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छे से वर्क करता है। इतनी स्मूदली फाउंडेशन आपके फेस के ऊपर ग्लाइड होता है, सेट हो जाता है इस प्राइमर को यूज़ करने के बाद। बिकॉज बहुत सारे प्राइमर ऐसे होते हैं जो आपके फेस को स्मूथ तो कर देते हैं बट बहुत स्लिपरी होते हैं, प्रोडक्ट उस पर से स्लिप होता है, पर ये ऐसा नहीं करता है। ये आपके फेस के ऊपर इतना अमाउंट ऑफ स्मूदनेस प्रोवाइड करता है कि फाउंडेशन बहुत अच्छे से बैठता है। प्राइमर ऐसा हमें हमेशा लेना चाहिए जो ग्लो पोर्स को ब्लर आउट करे, साथ ही साथ आपकी स्किन को शाइन प्रोवाइड करे और उसके ऊपर फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो। ऐसा ही प्राइमर हमें हमेशा लेना चाहिए, बट एक ही प्राइमर में सारी क्वालिटीज नहीं मिलती हैं। बट ये प्राइमर एक ऐसा है, इसके अंदर आपको सारी क्वालिटी एक ही पैकेज के अंदर मिल जाती है। ये आपके फेस के ऊपर एक अच्छी सी ग्लोई शाइन प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर अगर आप अपना मेकअप करोगे तो आपका फेस अंदर से बहुत अच्छा ग्लोई और शाइनी सा है। उसके अलावा ये आपके पोर्स को ब्लर आउट करता है, बिल्कुल भी पोर नहीं दिखते हैं, बहुत लंबे टाइम तक आपके मेकअप को सेट रखता है। साथ ही साथ इसको यूज़ अगर आप करोगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से आपके स्किन में ब्लेंड हो जाता है, बहुत अच्छे से कवरेज प्रोवाइड करता है। मुझे ये चीज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज मुझे अलग अलग कोई प्राइमर खरीदने की नीड ही नहीं महसूस होती, बिकॉज मैं इसको एक बार यूज़ करूँगी और मेरी सारी नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगी। तो मुझे ये चीज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज मुझे अलग अलग प्रोडक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट इसकी वजह से फील नहीं होती। बिकॉज मैं 3 तरीके अलग अलग प्राइमर लूँगी, उससे अच्छा तो है कि मैं एक ये प्राइमर लूँगी और मेरे तीनों काम हो जाएंगे, तो इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैंने इसको 250 का लिया था, आपको मार्केट में इजिली इतनी प्राइस में मिल जाएगा। अगर आपको 4 to 5 ईयर्स की सेल्फ लाइफ मिल जाती है और प्रोडक्ट क्वालिटी क्वांटिटी इसमें आपको 40 ml मिलती है और 4 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और स्टिल इसमें बहुत प्रोडक्ट बचा हुआ है, मैं यूज़ नहीं कर पाई, बट ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया। बिकॉज 40 ml ऑफ प्रोडक्ट इन प्राइमर बहुत ज़्यादा है, इतनी जल्दी यूज़ नहीं होता है। बिकॉज मैं तो वीडियो बनाती हूँ, मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ, फिर स्टिल मैं इसको ख़त्म नहीं कर पाई, तो नॉर्मल जो पीपल हैं वो तो इसको फिनिश ऑफ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये वन टाइम बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, एक 250 रुपये का प्रोडक्ट आप 4 साल तक यूज़ कर रहे हो, उसमें पैसे इन्वेस्ट करने के बाद इसका जो आउटकम है दैट वाज रियली वेरी वेरी नाइस। और आप इसकी रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 5 out of 5 रेटिंग देती हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट प्राइमर है और आप इसको ज़रूर ट्राई करना, यू विल लव इट डेफिनेटली। मालियो इतना ज़्यादा फेमस ब्रांड नहीं है, फेमस भी है पर इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं है, मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, पर गाइस ट्रस्ट मी, मेरे पास मालियो का मस्कारा है, मालियो का प्राइमर है, मालियो का लूज पाउडर है और दे वर्क सो अमेजिंग। उनकी पैकेजिंग
इतनी ज़्यादा लग्जूरियस और अच्छी है, साथ साथ उनका वर्क उससे भी ज़्यादा लग्जूरियस है। इन्फ्लुएंसर को हर तरीके का प्रोडक्ट रिव्यू करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, बिकॉज अफोर्डेबल इज समथिंग दैट एवरीबॉडी नीड्स, बिकॉज एक्सपेंसिव हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए अफोर्डेबल की कैटेगरी ही ऐसी है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और साथ ही साथ एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए अफोर्डेबल कैटेगरी में, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मिडिल क्लास पर्सन। रिकमेंडेशन में आप चाहें तो मैं आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल एक बार ज़रूर ट्राई करना, वर्थ इट प्रोडक्ट है। आई लाइक इट सो मच, 5 out of 5 इसकी रेटिंग है और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ रील्स एंड वीडियोस रिव्यूज शेयर करती रहती हूँ, तो वहाँ पर मुझे फॉलो करना और यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गाइस टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे अगले प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। बाय गाइज़।